जितिया व्रत अश्विन मास की अष्टमी को रखा जाता है। कई जगह यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है, तो कई जगह अष्टमी को किया जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। दरअसल दोनों पंचांगों के अनुसार अलग अलग समय दोनों के व्रत रखे गए हैं, इसलिए दोनों का व्रत पारण भी अलग अलग दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि मिथिला और बनारस पंचांग के अनुसार किस समय इस व्रत का पारण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य पुराण में इस व्रत का जिक्र है, जिसके अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं, उनके संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। मिथिला पंचांग के अनुसार इस बार 35 घंटे का जितिया व्रत किया जा रहा है। इसका व्रत प्रदोष काल में अष्टमी को रखा जाता है और कथा पढ़ी जाती है। मिथिला पंचांग के अनुसार जितिया व्रत का उपवास मंगलवार 24 सितंबर को रखा गया। अब इसका पारण बुधवार 24 सितंबर की शाम 5:05 के बाद किया जा सकता है। हालांकि सभी को अपने अपने रिवाजों के अनुसार पारण करना चाहिए। आपको बता दें कि इस व्रत में भी छठ की तरह ही 3 दिन का अनुष्ठान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। जितिया व्रत के पारण में चावल, मरुआ की रोटी, तुरई, रागी और नोनी का साग खाया जाता है। हर जगह अलग अलग चीजों को खाकर इस व्रत के पारण करने की परंपरा है। वहीं आपको बता दें कि बनारसी पंचांग के मुताबिक 24 घंटे का जितिया व्रत रखा गया है। ये उदया तिथि अष्टमी के दिन रखा जाएगा। इसका नहाए खाए और सरगही मंगलवार 24 सितंबर को रखा गया है और आज यानी बुधवार 24 सितंबर को जितिया व्रत का उपवास रखा गया है। अब इसका पारण गुरुवार यानी 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में जितिया व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस व्रत को माएँ अपनी संतान की खुशहाली, समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत और जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है और इस साल ये व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रखा गया। इस साल 24 सितंबर के दिन जितिया व्रत का नहाए खाए संपन्न किया गया, जिसके बाद 25 सितंबर को जितिया व्रत रखा गया और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको मिथिला पंचांग और बनारस पंचांग दोनों के हिसाब से जानकारी दी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।